हेलो एंड वेलकम बैक टू आरएल क्राफ्ट। अभी आई नो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया लास्ट वीडियो एंड इस वीडियो का, लेकिन आई हैव अ रीजन। ओके एंड द रीजन इज दिस, मेरे लाइब्रेरियंस की खुद की आर्मी। यहाँ के लाइब्रेरियंस मुझे सब कुछ एंचेंट देंगे एंड ऑब्वियसली उनके लिए मैंने बढ़िया से कैबिन बना के रखे। उसमें एक खिड़की भी है जहाँ से बाहर के वो नज़ारे देख सकते हैं, लेकिन हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको इससे फर्क पड़ता है कि वो क्या देते हैं, राइट? सो वो मुझे देते हैं रीइंफोर्स्ड शार्पनेस, वो मुझे देते हैं सुप्रीम शार्पनेस, एडवांस मेंडिंग, पेरी, एडवांस स्पाइक, आर्क स्लैश, इतने प्यारे प्यारे एंचेंट है। उसके साथ साथ वो मुझे देते हैं स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। फाइनली वी हैव स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी। 3 ही है, लेकिन ठीक है यार, 3 मिलना भी बहुत बड़ी बात है, राइट? तो आज अपन निकलेंगे थोड़ी ट्रेजर हंट के लिए, बिकॉज मेरे पास जो क्राफ्टिंग रूल्स है उसमें से सैडली गोलेम आर्मर की रेसिपी किसी में नहीं है, सिवाय चड्डी के। यस, चड्डी की रेसिपी मुझे पता है, उसके अलावा बाकी के क्राफ्टिंग रूल्स मुझे ढूंढना है, बिकॉज इसमें एक फालतू रेसिपी है। फालतू की रेसिपी वाले सारे अपन क्राफ्टिंग रून फेंक देंगे, बिकॉज उस कलर की क्राफ्टिंग रून में वही एक रेसिपी मिलेगी, सो कोई मतलब नहीं है उसको रख के। सो वाटर जेम मे बी किसी काम में आ सकता है ये बाद में। विंड टेलिस्मैन तो भाई ये रखेंगे, विंड जेम मुझे चाहिए, उसके बाद ये बहुत काम में आएगा मेरे। कुशन बूट फेंको, किसी काम का नहीं है। ये डुप्लीकेट रेसिपी फेंको, ये भी डुप्लीकेट रेसिपी, इसको भी फेंको। ये शॉक टेलिस्मैन, भाई शॉक टेलिस्मैन भी है अपने पास एंड शॉक जेम भी है। सो आज इसको अपन बना के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसा काम करता है, बिकॉज ये मुझे चेक करना है कि फॉल डैमेज को एक्सप्लोजन में कैसे कन्वर्ट करता है। सो इसको अपन रखेंगे एंड आज ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का। अभी प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि मुझे याद तो है कि मेरे पास क्राफ्टिंग रून आई थी चड्डी की, लेकिन वो मैंने कहाँ रख दिया, वो मैं भूल गया। एंड इतने सारे कचरे में वो अभी मेरे को मिल नहीं रही। अभी तुम में से एक ने कमेंट किया था कि भाई अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट कर दो, तो करूंगा, टेंशन मत लो। एक बार आर्मर बन जाए, बढ़िया सा वेपन बन जाए, उसके बाद अपन इन्वेंटरी भी सॉर्ट कर लेंगे। तो भाई बस थोड़े एपिसोड और झेल लो कचरे वाली इन्वेंटरी, उसके बाद अपन सॉर्ट कर लेंगे। एंड एक्चुअली मेरे को भी सॉर्ट करना है, बिकॉज एज यू कैन सी पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने इतने बड़े इसमें सामान, मेरे को ही नहीं मिल रहा है। अरे मिला, फाइनली मिला भाई साहब, फाइनली। ये चड्डी की रेसिपी है ना? हाँ, नाइस। चलो चड्डी की रेसिपी मिल गई, लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है। सारी चीज़ है मेरे पास सिवाय ये म्यूज़िक डिस्क के। मैन, काश पहले से मैंने बैटल टावर से म्यूज़िक डिस्क कलेक्ट की होती तो आज मेरे पास एक पत्थर की चड्डी होती थी, बट ठीक है। अभी अपन क्राफ्टिंग रून ढूंढने निकल ही रहे ना, तो गोलेम आर्मर के पीसेस वाली क्राफ्टिंग रून के साथ साथ मुझे म्यूज़िक डिस्क भी ढूंढने निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, निकल रहे तो दोनों के दोनों साथ में काम कर लेंगे अभी। और भाई मज़ा आ रहा है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, हैं? और उधर खिसक गया यार ये, मैं एकदम बढ़िया। देखो तब से मैं एक ही जगह पे हूँ, एक मिलीमीटर पे यहाँ से वहाँ हिला नहीं हूँ मैं। और इनको देख लो, उनकी गोदी में चढ़ के बैठना है उनको। अभी एज पर योर डिमांड, गोरगोन भी आ गई अपनी सही जगह पे खड़ी है, एकदम बढ़िया। चलो गोरगोन आ गई, वो दोनों वहाँ पर है, अपन भी वहीं पर है। आई थिंक हो गया ना, इतना काफ़ी है राइट फिलहाल के लिए। इतने मॉब्स यहाँ पे काफ़ी है, और थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी अगर और मैं मॉब्स यहाँ पे लाऊंगा तो। हाँ, एक साइक्लॉप्स बचा हुआ है, उसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। एक और गोरगोनाइट ढूंढ के लाएंगे और उससे साइक्लॉप्स उधर रखेंगे, या उसके साथ आई थिंक विदर भी एक हाथ रख देंगे, बट वो बात की बात है। फिलहाल मुझे मशरूम का स्टू ढूंढना है एंड बाकी जगह ढूंढना जहाँ से अपन क्राफ्टिंग रून ढूंढ सके। तो क्राफ्टिंग रून के लिए आई थिंक अपन को एक डेजर्ट ढूंढना है, राइट? एक काम करते हैं, डेजर्ट सामने है तो वहाँ पर जाके देखते हैं, अगर क्राफ्टिंग रून मिल गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अपन एंड जाएंगे, बिकॉज एंड में ढेर सारी जगह जहाँ पे क्राफ्टिंग रून है ना। तो जल्दी से यहाँ पे दिखा दो ताकि मुझे एंड ना जाना पड़े। नाइस, तो मिल गया, एक नंबर। अरे रुको भाई तुम, अरे इनको बीच बीच में करना है। हाँ सही है, तुम भी आ जाओ, बढ़िया ऐसे। नाइस, ठाकुर ने अपना हाथ दे दिया। बड़ी ट्रेजर मैप भी दे दिया, बढ़िया। अरे यार दो ही मिले, ऐसा मत करो ना यार, भर भर के 8-10 दो ताकि एंड ना जाना पड़े मुझे। नहीं अभी यार बहुत देर से भटक रहा हूँ मैं, फिर भी एक भी टेंपल मुझे अभी तक नहीं मिला है। सो आई गेस यहाँ से भटकने से बेटर अपन एंड में भटकेंगे, वहाँ पे अगर एंड सिटी मिली तो आराम से वहाँ पे 3 से 4 क्राफ्टिंग रून तो आराम से मिल जाएंगे, राइट? अबे भाई स्टेज 5 भी है यहाँ पे। नहीं भाई मेरे को अभी इससे डील नहीं करना है, अपन चुपचाप एंड जाएंगे। अरे हर जगह इसको जमीन के अंदर जाना है यार। अभी ए भाई यहाँ से नीचे मत गिरा, पागल है क्या? ओ यार कुछ कुछ स्ट्रक्चर एंड के बहुत ही सुंदर है, जैसे कि ये वाला लाइट मेटिका अगर होता था ना तो इसका स्कीमा ले लिया होता था एंड ब्लैक क्लू को एसएमपी में बनाया रहता था। यस
मजा आता था, मस्त दिखता था वहां पे। ऑब्सीडियन का ऑब्वियसली नहीं बना सकते, स्टोन का बनाया रहता था, लेकिन स्ट्रक्चर सही था उसका। अभी ये जो एंडरमैन है ना, ये बहुत ही प्यारी जगह भाई, यहाँ पे इतने सारे गोल्ड के ब्लॉक मिलेंगे ना अगर हर एक को मैंने माइन करते रहा तो। लेकिन इतने सारे स्पॉन होते हैं ना एंड में कि एक टाइम के बाद बोर हो जाता है इंसान। तो देखो ढेर सारे गोल्ड के ब्लॉक है यहाँ पे एंड उसके सामने एक ट्रैप बिछा हुआ है। या सो थोड़ी सी ऑब्सीडियन तोड़ने वाली मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बार ये टूट गया एंड उसके बाद फिर सारे के सारे TNT यहाँ से हटा दिए, उसके बाद यहाँ के सारे गोल्ड ब्लॉक अपने, यस आई थिंक 8 या 10 कुछ तो भी रहते हैं गोल्ड ब्लॉक। तो एंड जो है ना वो गोल्ड का सोर्स तो बहुत प्यारा है, लेकिन यार बात वही है कि हर बार इतना ऑब्सीडियन कौन तोड़ते बैठे। मिली रे कौर सिटी, लेट्स गो। अभी मेरे को ये तो बताया कि वहां रहता है, लेकिन क्या यहाँ के एक आध रूम में चेस्ट मिलेगी, दैट्स द बिग क्वेश्चन। यहाँ पे ये छोटे रूम में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बड़े कोई रूम है क्या? अबे रुको ना यार, तुम रुक जाओ, थोड़ा अंदर घुसने दो मेरे को, रुक जाओ। इनको तो क्या कुछ काम धंधे नहीं है, इंसान दिखा नहीं कि चालू हो गया इनका बुड़बुड़े छोड़ना। क्या मिला बुड़बुड़े छोड़ के? हाँ बेशरम लोग। अभी हाँ यहाँ पे ये ड्रैगन का हेड भी रहता है ना, वो भी लेना है अपन को। हो सकता है भाई किसी रेसिपी, व्हाट अभी यहाँ रहता है कि नाव में रहता है? ठीक है वो तो बाद में देख लेंगे, हो सकता है भाई किसी रेसिपी में ड्रैगन का हेड ही मांग ले वो। सो रेडी रहना बेटर है ना, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या उस कहावत का इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ठीक है सुन लो अभी कहावत। अबे यार ये यहाँ पे रूम नहीं है क्या वो? अच्छा एक छोटी सिटी है यहाँ पे, वो बीच में एक रूम रहता है ना जिसमें ढेर सारी चेस्ट रहती है, वो नहीं है यहाँ पे। ओके ओके तुम कहाँ छुपे हो भैया? हेलो, अच्छा बेटा इनविजिबल होगा, अरे बाप रे कहाँ गया, दिखाई नहीं मुझे, ओ नो। ओके नाइस, एक मिल गया, बहुत ही शानदार। यहाँ पे नाइस 2 मिल गए, बहुत ही बढ़िया। अभी प्रॉड 3 नको, ये भी नहीं, ये भी कर्स जज बिल्कुल नहीं, छोड़ो ये ले लेंगे अपन एंड साथ में ये भी लेंगे भाई, बीट रूट। एक रेसिपी मेरे को याद है बीट रूट की सीड चाहिए थी, तो ठीक है यहाँ से कोल्ड भी ले ही लेंगे थोड़ा सा। बट यार अंदर से मेरे को बताएगा ऐसी फीलिंग आ रही है कि पर्पल ब्लॉक कहीं ना कहीं लगेगा अपन को, तो एक काम कर देना फिलहाल अपने बैग में जगह है तो थोड़ी सी जगह खाली करके पर्पल ब्लॉक रख ही लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो रेसिपी में यूज़ ना हो, लेकिन यार देखो अंदर की जो मेरी फीलिंग है ना वो मैं 2 बार सुनता हूँ, एक बार या तो जब पेट खराब हो या तो ऐसी वाली फीलिंग जब आए तो, एंड या फर्स्ट वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है ये। सो सुन लेते इस बार, लेट्स गो। ओ बड़ी वाली सिटी मिली इस बार, नाइस। इसमें तो डेफिनेटली एक आध रूम होगा जिसमें चेस्ट रहेगी, पक्की बात है। यस 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 यस। कहाँ से जाए अपन, यहाँ पे है क्या? यप यहाँ पे है, यहाँ पे। ए लेकिन सामान टूटा क्यों पड़ा है भाई, क्या सीन है ये? हेलो, ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ, ये फालतू इंसानों के कारण हो रहा है क्या? लेकिन आई डोंट थिंक इनमें इतनी ताकत है कि चेस्ट तोड़ दे, बट क्या सीन है? चेस्ट भी गायब है, ऐसा भी नहीं कि भाई हाँ चेस्ट बाजू में पड़ी है, वो भी सीन नहीं है, कुछ अलग ही सीन है यार ये। वो आइस एंड फायर मॉड को मैंने अपग्रेड किया उसके कारण तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन यार उसका और इसका रिलेशन तो वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज एंड के तो कोई भी आइटम्स उससे मॉडिफाई हुए नहीं है। पता नहीं यार क्या सीन है ये लल्लू, देखो कहाँ पे चिपका हुआ है। अरे लल्लू महाशय उधर नहीं चिपकते रे। कहीं पे चिपकना है मतलब कहीं भी चिपकना है। ओह यहाँ पे भी चेस्ट है, नाइस। चलो ये बड़ा है यार, और बड़ा है, सही है, ऐसे बड़े बड़े अगर मिले तो बढ़िया है। यहाँ ढेर सारी चेस्ट भी रहती है इनमें, लेकिन यार ओ मिलता है, ओ आई थॉट इनमें नहीं मिलता, लेकिन इनमें भी क्राफ्टिंग रूल मिलता है, नाइस। अब ठीक है बाय बाय, यहाँ से नीचे नहीं। ओबे यार शिट, ओ नहीं 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 मार डाला रे, मार डाला, टीवी दिला दिया बंदे ने। भाई सबक मिल गया, आज से सबक मिल गया भाई। खुले में शौच एंड एंड में खुले में घूमना बंद आज के बाद, नोप बिल्कुल भी नहीं। भाई क्या चल रहा है, ये चेस्ट टूटी क्यों पड़ी है ये? अरे रे वापस आते थे मेरे पूरे हार्ट गए, पर ठीक है सो के अपन सब कुछ ठीक कर देंगे। मॉन्स्टर्स आर नियर बाय। अबे यार मेरे ही घर पे मैं सेफ क्यों नहीं हो यार, हर बार मैं सोने जाता तो मेरे ही घर पे मॉन्स्टर घूमते रहते, मेरे ही घर पे सोने नहीं मिलता, व्हाट द हेल मैन। छोड़ो अभी बिना सोए अपन चुपचाप देखते हैं अपने पास क्या क्या आइटम्स आए हैं। सो सबसे पहले नाइस जूता मिल गया, लेट्स गो। हेलमेट भी मिल गया, लेट्स गो।
विंड टेलिस्मैन भी काम का, एक नंबर, नाइस। चेस्ट प्लेट भी एक नंबर, सब कुछ मिल गया अपन को, नाइस। एक और हेलमेट, ओके, हेलमेट की डुप्लीकेट रेसिपी आ गई। चेस्ट प्लेट की भी डुप्लीकेट रेसिपी आ गई, ठीक है। बाउंड शेवल तो किसी काम का नहीं है, फिर साथ में शॉक जैम की भी डुप्लीकेट रेसिपी। एक्सप्लोजन पिकैक्स, ओह इसका देखना पड़ता है, लेकिन वेट ए मिनट, ये रेसिपी इसकी ऐसी क्यों है भाई? डायमंड पिकैक्स तो ठीक है, आजू बाजू का सामान किधर है? बस पिकैक्स को रख दो, उसे एक्सप्लोजन पिकैक्स बन जाएगा? इतनी इजी रेसिपी कब से हो गई भैया? हेलो, नहीं बन रहा भाई, क्या स्कैम चला के रखा है ये? हाँ ऐसा कैसा स्कैम होता है? कहाँ गई वो रेसिपी? टूट, आजू बाजू का आइटम किधर है? ये क्या चल रहा है? ये रेसिपी के हिसाब से डायमंड पिकैक्स है वो बनना तो चाहिए, ये बाकियों के साथ, ओ टूट, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पे। सबका वही हाल है, सबके आजू बाजू के इंग्रेडिएंट गायब है। लेट्स सी, रीस्टार्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। ओ नाइस, ठीक है, नया बग मिल गया हमको कि एंड से आने के बाद इनकी रेसिपी गायब हो जाती है, सही है। अबे यार इसमें म्यूजिक डेस्क, मतलब जूता एंड चड्डी दोनों ही नहीं बना सकते अपन? नाइस, चलो बढ़िया, एटलीस्ट हेलमेट बना सकते, अरे बाबा अपन बढ़िया, कुछ तो बना सकते हैं अपन, दैट्स गुड। एंड चेस्ट प्लेट, नाइस, ठीक है, दो चीज़ बना सकते हैं। टेराकोटा भाई, हर किसी को टेराकोटा क्यों चाहिए? अभी ये देखा क्या तुमने? ये देखो 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 देखो, अंदर की मेरी फीलिंग भाई इतनी स्ट्रांग फीलिंग जो थी ना मेरी अंदर की, फाइनली काम कर गई फाइनली। चलो पर्पल ब्लॉक कहीं तो कहीं काम में आ गया, अरे बाबा, लेकिन इससे पिलर कैसे बनाते? हेलो भाई, डोंट टेल मी के मतलब अंदर की फीलिंग वेस्ट गई मेरी। हेलो, पर्पल पिलर, अबे यहाँ पे आया क्यों नहीं ये? कुछ और नाम है क्या इसका? पिलर, अच्छा पुरपुर पिलर है, ओके ठीक है, स्लैब से बनाते हैं, पुरपुर पिलर है वो मेरे को पर्पल पिलर लगता था अभी तक। वो ब्रिक भी है, देखा, कभी ना कभी कचरा काम में आता है। ये देखो कचरा यहाँ पे काम में आ रहा है मेरा पूरा, ये सारा का सारा कचरा मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से। केक बस नहीं है, लेकिन केक की रेसिपी वाला कचरा भी पड़ा हुआ है। देखो रॉ रैबिट है, इसको अपन पकाएंगे, पका हुआ रैबिट बन जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। कचरा कभी ना कभी हमेशा काम में आता है, इसलिए कचरे को कभी फेंकने का नहीं। यस, कचरा कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आता है। तुम कचरे की केयर करोगे तो कचरा तुम्हारी केयर करेगा ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा हुआ है, इसलिए हमेशा अपने घर में कचरा रखने का क्ले एंड आयरन इंगेट, ओके, क्ले एंड आयरन इंगेट भी कचरे के रूप में यहाँ कहीं ना कहीं पड़ा होगा, आई एम डैम श्योर। ये देखो आयरन इंगेट कचरे के रूप में मिल गया अभी क्ले भी कहीं ना कहीं कचरे के रूप में पड़ा होगा। तुम बेवजह मेरे को इन्वेंट्री मेरी सुधारने के लिए बोल रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पड़े रहने दो ऐसे ही, बढ़िया है मेरी इन्वेंट्री, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करने की। ओके, इतने सारे केक है, केक ऑफ लीपिंग, केक ऑफ वाटर ब्रीदिंग, केक ऑफ फायर रेजिस्टेंस, अरे बाप रे, ये तो पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। नॉर्मल केक की रेसिपी बताओ तुम, मिल्क चार, डेजर्ट मेरे में, अभी ये कैसी रेसिपी है बे? ये कब से रेसिपी चेंज हो गई? शुगर चाहिए, अच्छा अंडा, ओके कोई भी एक तरीके का अंडा चाहिए, ओके ओके भाई, फाड़ के रख दिए तुमने मेरी की डेजर्ट मीरामैक्स का एग चाहिए केक की रेसिपी के लिए, मतलब कमाल ही हो गया। ड्रैगन एग चलता है क्या इसको? ड्रैगन एग है मेरे पास, नॉर्मल अंडा, हिपोग्राफी अंडा, कितने प्रकार के हिपोग्राफी है बे? डेथवर्म का अंडा, जंगल मीरामैक्स का अंडा, अच्छा डेथवर्म का अंडा कहीं तो पड़ा हुआ था, पता है क्या? बट उसको अभी ढूंढना मतलब एक बहुत ही बड़ा मेहनत का काम हो जाएगा, लेकिन आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं एक डेथवर्म का अंडा पड़ा हुआ है। ये देखो, बोला था ना मैंने, डेथवर्म का अंडा पड़ा हुआ है मेरे पास, देखा कचरे में सब कुछ है मेरे बस वीट नहीं है, शुगर नहीं है, एंड दूध तो मिल जाएगा, दूध कौन रखता है घर पे। लास्ट में गया फेदर, एंड लेट्स गो, गोले मार मेरे का सबसे पहला पीस जो कि है हेवी क्वालिटी का। बे यार भाई तुम ये इतने गंदे वाले मत दो यार क्वालिटी, अभी इसको मैं रीफोर्ज कैसे करूं? मेरे को तो ये भी नहीं पता ये रीफोर्ज होता किससे है, डायमंड्स होता है? नोप, ब्लड मून इज राइजिंग, बहुत ही शानदार, तुमने इतना प्यारा टाइमिंग चुना है ना, ठीक है अंदर उजाला है तो होपफुली अंदर कोई आएगा नहीं, बट भाई इसको रिफोर्ज कैसे करूं मैं? हार्ड लाइक अ रॉक, तो कॉबलस्टोन से होगा ये रिफोर्ज? नोप, भाई किससे करूं मैं, इससे होगा तू?
यार तुम बताओ यार, मेरे को नहीं बताइए, पता नहीं किससे रिफोर्ज होगा, लेकिन इकलौता हेलमेट बना इतनी मेहनत से, वो भी घटिया क्वालिटी का निकला यार। हट यार, क्या घटिया किस्मत है। चलो, बड़ी मुश्किल से इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने के बाद ये बन गया अपना चेस्ट प्लेट। प्लीज इसकी अच्छी क्वालिटी दे दे यार, प्लीज। टेंटेड मां कसम यार, दो पीस बना सकता हूँ, उसमें भी दो घटिया पीस बने हैं मैन। एक है डेंटेड एंड दूसरा है हेवी। बहुत ही शानदार, वाह। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर अपन पहन के जाएंगे, उसमें स्पीड कम हो जाएगी, डिफेंस कम हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बढ़िया, सही है। अभी एक चीज़ अपन कर सकते हैं, ये जो म्यूजिक डिस्क है इसको ढूंढने अपन निकल सकते हैं, ताकि एटलीस्ट पैंट एंड जूता अपन बना सके जिसमें ढंग की क्वालिटी हो, राइट। लेकिन म्यूजिक डिस्क किधर मिलेगी? आई थिंक बैटल टावर में मिलती है, राइट। वो एक ट्राई कर सकते हैं अपन, बैटल टावर के चेस्ट में शायद अपन को म्यूजिक डिस्क मिल जाएगी आराम से। अपना मेन एम इधर अभी है म्यूजिक डिस्क, टॉन, स्पेल प्रूफ, नको ये नहीं, ठीक है ये ले लेंगे सेव। बाकी मॉब्स को इग्नोर करके अपन, अरे नीचे गिरा दिया तुमने, ठीक। दो दो एटलस नॉइस। बाकी ये दो, ये दो, अरे रुको ना यार, तुम क्या बीच बीच में करते हो, हटो ना यहाँ से। हाँ लड़ लो, एक दूसरे से ही लड़ लो, सही है। अरे इन लोगों के चक्कर में पड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट से अपन काम कीजिए। वो मैजिक मिरर भाई, आई थिंक इसको यूज़ करने का भी टाइम आ गया, राइट। अरे एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी एक्सपी अपन बढ़ा लेते हैं, इसको शायद 32 लगती है ना। अच्छा 32 मैक्स है, अरे कौन है यार, क्या बीच बीच में। तो अभी 32 अपना मैजिक हो गया है, तो उसके कारण वो जो मैजिक मिरर है उसको अपन यूज़ कर पाएंगे, तो वो काइंड ऑफ अनलिमिटेड रिकॉल पोशन का काम करता है, तो उनको रिकॉल पोशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रुको ना, थोड़ा रुको ना भाई, रुको ना, रुको ना। हाँ नाच ले तो एक काम कर मेरे सामान के ऊपर, सही है। यहाँ जो डिस्क मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही है, तुम अलग नाच लो। अरे यार ये इसके अलग नखरे यार, इसको देखो, C418 ब्लॉक्स चाहिए, एंड अपने पास C418 है तो, लेकिन ब्लॉक्स वाला कोई भी नहीं है। एंड ये जो सेंटर का कलर है वो भी अलग है, उसमें लाल वाला चाहिए, अपने पास पीला एंड नीला है। अभी आई थिंक एक ही तरीका है, उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, पिस्टन बनाना पड़ेगा। अभी एक्चुअली ना मुझे थोड़ी सी एक्सपी की ज़रूरत है, तो अपने काम करते हैं, थोड़ा सा ना ब्लाइट परसेंटेज जो है वो बढ़ा देते, क्या बोलते हो। सो मॉड्स में आएंगे, एंड स्केलिंग हेल्थ में रहता है ना शायद, मॉब्स एंड ब्लाइट्स, ब्लाइट का परसेंटेज मल्टीप्लायर अपन कर देंगे 0.005 से 1, डन। अब जितने मॉब्स स्पॉन होंगे सारे के सारे ब्लाइट स्पॉन होंगे। बहुत एक्सपी मिलेगा, किलो के भाव में एक्सपी मिलेगा अभी अपन को। बेबी बेबी थी, डील करना बड़ा मुश्किल है, रे बाबा बेबी आके चिपकती है। ये सही है, एपियन ध्यान भटका रहा है मेरे से, ये सही काम कर रहा है एपियन, बढ़िया। अरे बाप रे 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 भाई। ऐसे टाइम पे ना वो चाहिए, स्वीपिंग एज चाहिए, सही बता रहा हूँ, ऐसे टाइम पे स्वीपिंग एज चाहिए। एक काम करते अपन, म्यूजिक डिस्क गई भाड़ में, सबसे पहले अपन तगड़ा वाला वेपन बनाते, क्या बोलते हो। म्यूजिक डिस्क वैसे भी नहीं मिलने वाली, तो अपना तगड़ा वाला आर्मर बनेगा भी नहीं। सो अपन क्या करते हैं कि इतनी मेहनत से अपन ने मॉड अपग्रेड किया ना, सो गोलेम आर्मर की जगह अपन अपग्रेड करते हैं अपना ड्रैगन स्टील आर्मर, ठीक है। उसमें मस्त वाले एंचेंट लगाते हैं, एंड वो पहन के अपन तगड़ी वाली स्वॉर्ड बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर अपन जाएंगे राहवार्ड से लड़ने, क्या बोलते हो, सही है आइडिया। तो लेट्स डू दैट। तो कुछ दिनों के लिए अपन एकदम फुल ब्लाइट मोड में रखेंगे इसको, ताकि हर एक मॉब ब्लाइट रहेगा, ताकि ढेर सारी एक्सपी देंगे अपन को, ताकि वेपन एंचेंट करने के लिए ढेर सारी एक्सपी मिल जाएगी अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा इसके बाद से। सबसे पहले इसमें अपन लगाएंगे सबसे महंगा वाला, आई थिंक लगाना पड़ेगा स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी, जो कि 23 है, एंड एडवांस प्रॉट 17 ना, ठीक है। 23 वाला सबसे महंगा वाला पहले लगाएंगे, स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी ये लग गया, फिर एडवांस प्रॉट के साथ इनर बर्सर्कर 17 लग रहा है, ये 6 है और ये 5 है, तो एडवांस मेडिंग और एडवांस प्रॉट ये हो गया, इन दोनों का होगा 30। अरे बाप रे, जैसे काम हो जाएगा आई थिंक, इसके साथ लगेगी ये 23, स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी एडवांस प्रॉट 4 एंड मेंडिंग,
एंड साथ में इनर बर्सर्कन एंड अनब्रेकिंग 3 ये हो गया ये। लेट्स गो। चलो इसमें जानबूझ के मैंने ये नहीं लगाया, अपना स्पाइक नहीं लगाया, बिकॉज उससे बेवजह ड्यूरेबिलिटी कम होगी एंड चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट जो है वो ही सबसे मेन पार्ट है, राइट। इसलिए इसमें मैंने स्पाइक नहीं लगाई है, स्पाइक अपन चड्डी एंड जूते में लगाएंगे। सो ये हो गया स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी 5। ओ हो, क्या बात है, तीन तीन चार चार हार्ट बढ़ गए अपने, नाइस। ये एक सही हो गया। ओके नेक्स्ट है हेलमेट। सो फाइनली वी हैव सम गॉड वेपन। हेलमेट में अपने एडवांस प्रॉड 4, रेस्पिरेशन 3, एडवांस मेंडिंग एंड ब्रेकिंग 3 एंड एक्वा एफिनिटी है। चेस्ट प्लेट में स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी 5, प्रॉड 4, इनर बर्सर्कर 4 एंड अनब्रेकिंग है, नाइस। ये सबसे प्यारा पीस लगा भाई मेरे को, ये मैं बना पाया वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर पैंट में अपने प्रॉड 4, थॉन्स 3, एजिलिटी एंड इन्वेजन लगा हुआ है। अपने चड्डी में थॉन्स लगे हुए, यस। कोई मार के दिखाओ अभी पैंट पे, देख लेंगे उनको। जूते में ढेर सारे लगे हुए, वॉल रनिंग है, डबल जंप है, स्लाइडिंग है, मजा आएगा। अपन अभी स्पाइडरमैन बन के घूमेंगे यहाँ में। अभी नहीं, एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इसमें लोकेशनल आर्मर टफनेस 6 है एंड लोकेशनल आर्मर 27 है। इसके कंपैरिजन में अपन अगर गोलेम आर्मर देखे तो उसमें सिर्फ +4 एंड +19 है। नॉकबैक रेजिस्टेंस वैसे ही अपन को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अपने पास ये लगा हुआ है, आंख शील्ड लगी हुई है, सो नॉकबैक का क्या ही असर होता है। सो वैसे अगर देखा जाए तो भाई गोलेम आर्मर का भी बाप वाला आर्मर निकला ये। सो सही यार, मस्त दिख भी सही रहे। आगे जाके अपन इसका आइस वाला वर्जन बना लेंगे तो फिर वाइट वाला ड्रैगन स्टील आर्मर रहेगा जो कि और सेक्सी दिखेगा, बट इसके लिए टाइम है। पहले अपन को आइस वाला ड्रैगन हैच कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर उससे ड्रैगन स्टील आर्मर बनाना पड़ेगा, वो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज़ आर गॉड आर्मर। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में अपन मे बी एक गॉड वाला वेपन बनाएंगे। तुम बोल रहे थे ना कि आइस वाला वेपन बनाओ, तो ये फायर विद्युत अभी की जगह अपन आइस वाली विद्युत अभी बनाएंगे, या फिर मे बी कोई और वेपन बना लेंगे अपन। उसके अलावा ये एक बार बन गया फिर अपन राहुवाट से लड़ने जाएंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी तक। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।